जो मिस्टेक करते हैं बच्चे बहुत ज्यादा नेमिंग गलत करने में, तो मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब मैं इसमें साइक्लिक अप्रोच फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ये देखो ए बी सी डी इसमें और बाकी सब क्वाड्रिलेटरल में डिफरेंस क्या है। इसकी जो अप्रोच है वो पता है कैसी है, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे और डी यहाँ पे। ए बी सी डी में ये इस तरह घूम गया, इस तरह घूम गया, इस तरह घूम गया। इस वाले केस में इसने ज़िगज़ैग पैटर्न फॉलो कर लिया। जब भी आपका क्वाड्रिलेटरल ऐसा ज़िगज़ैग पैटर्न फॉलो करेगा आपको क्वेश्चन करते वक्त हमेशा दिक्कत आएगी। अब तुम पूछ सकते हो भैया क्वेश्चन करते हुए कैसे दिक्कत आएगी, नेम ही तो करना है कैसे भी कर दो उसको। नहीं, अब जरा बात समझो। मान के चलो उसने कह दिया कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बनाओ, उसमें एंगल बीसीडी 120 डिग्री का होना चाहिए और एंगल बीएडी जो है वो 80 डिग्री का होना चाहिए। अब डिफरेंस देखना, अगर ये हमेशा साइकिल फॉलो करेंगे तुम्हें इन एंगल्स को लोकेट करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, ये देखो बीसीडी 120 है, यहाँ पे बीसीडी ये वाला है, ले भैया ये बन गया 120 डिग्री। इस वाले क्वाड्रिलेटरल में देखो, ये ले भैया 120 डिग्री बन गया, ले भैया 120 डिग्री बन गया। BAD 80 डिग्री, BAD ये बन गया तुम्हारा 80 डिग्री का, BAD ये बन गया 80 डिग्री का, ये बन गया 80 डिग्री का। तो देख रहे हो तीनों केस में तुमने आराम से लेबलिंग कर दी है BCD BAD की, दोनों की। अब इस वाले केस में को देखते हैं एक बार, इसने कहा BCD 120 डिग्री का, BCD अब क्या हो रहा है, BCD लोकेट नहीं कर पा रहे, उसके लिए तुम्हें एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि डायगोनल बन जाएगा। सिमिलरली BAD अगर तुम यहाँ पे बनाने की कोशिश करोगे डायगोनल से बनेगा, जो कि टोटली रॉन्ग अप्रोच है। स्टार्ट किसी भी पॉइंट से करो, बस साइक्लिक अप्रोच लो और किसी भी डायरेक्शन में घुमा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तीन एग्जांपल देके बता दिए हैं। तो अब वो क्वेश्चन में कुछ भी देख, आप साइक्लिक अप्रोच से अगर बनाओगे तो जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी, फर्क नहीं पड़ता कि आपका पॉइंट ए यहाँ पे और आपके दोस्त का पॉइंट ए यहाँ पे है। अगर आप दोनों ने साइक्लिक अप्रोच फॉलो करिए आप दोनों के ही डायग्राम जो है वो सेटिस्फाई करेंगे जो कंडीशन गिवन है।